ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषुभ्यो नमः ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करबाबहै तेजस्वेना बाधित तमस्तु मा वि द्वेषापहय सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृतम् यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हाद स्वागतम मित्रो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षाध्याय द्वितय पाद स्वर प्रकरण कक्षा संख्या चुष्ठ चौसठवीं कक्षा को आज पढ़ेंगे ठीक है चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और गत कक्षा में हमने आपको जहाँ तक पढ़ा दिए थे वहाँ से आगे पढ़ना आरंभ करते हैं ठीक है यहाँ तक हमने पढ़ा था एक सौ चवालीस ये बड़ा सूत्र था तो थोड़ा सा इसमें समय अधिक लग गया था ठीक है चलिएगा अब हमारा आगे का सूत्र है सूपमात् सूपमात् पंचमी व्यक्ति ही एक वचनातम प्रथमा व्यक्ति ही एक वचना सामसा सुच उपमच्च समाहार तस्वना सु और उपमान दो शब्द हैं अनुवृत्ति इसमें आ रही है अंत उत्तरपद से उदाता अर्थ सोह उपमान परम कतांत उत्तर पदम जो उपसर्ग वाला जो सु है वही है सू से और उपमान उपमान वाची कोई शब्द है उससे परे कोई कत प्रत्यंत उत्तर पद है तो उसको समास में क्या हो जाता है अंत उदात्त हो जाता है जैसे यहां पर इन्होंने उदाहरण लिया सुकृतम सुभुक्तम सुपीतम बस यही है ठीक है ये भी है सुकृत में ले लिया है यहाँ पर ठीक है ये ऋग्वेद का ले लिया उपमान्थ विकलुप्तम ब्रिकावलुप्तम शशलुप्तम सिंह विनर्दितम ये है सभी उदाहरण ये क्या है अंत उदात्त कर दिए ठीक है ये सू से उत्तर वाले हैं और ये उपमानवाची से उत्तर वाले ठीक है यहां पर क्या है देखिएगा इसमें क्या प्राप्त हो रहा था इस समास है कुगति प्रादय से समास हुआ इसमें सुकृतम में सुभुक्तम सुपीतम और सुकृतम सुकृत इनमें जो समास हुआ है वो वास्तव में हुआ है कुगति प्रादय तो सामान्य रूप से यहाँ पर क्या है समास ध्यान दीजिए गत पहले सबसे पहले प्राप्त होगा फिर गतिकार को कृत क्योंकि एक कृदंत है कथा प्रत्यय क्या है कृदंत कृत है फिर उसके बाद यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था कहते हैं गतिरंत क्योंकि ये कर्म में है यहाँ पर कता प्रत्यय कर्म में है तो इसको गतिर अनंतरा से क्या हो रहा था समास से अंत प्राप्त हो रहा था ठीक है फिर उसके बाद गतिकार को पदात्कृत से क्या हुआ था उत्तर पद का आदि प्राप्त कर रहे थे फिर फिर गतिर अनंतरा उसका अपवाद है गतिकार को पदात्कृत का तो उससे क्या हो रहा था कथा प्रत्यंत क्रम बाची से अनंतर गति पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो रहा था फिर उसका भी अपवाद बना दिया कि माने से उत्तर तो कथा प्रत्यंत शब्द को क्या होगा अंतदात होगा तो अंतदत्त होगा इस प्रकार से क्रम से आपको सूत्रों को देखना है ठीक है को गारदाकृत फिर गतिरंतर फिर सुपमान तो इनमें सब में अंतदात हो गया ठीक है ऐसे ये ष्ठी का तो ये उदात्त है फिर आगे अनुदात्तम पदम एक वर्ग उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया ये उपमानवाची वाची से वृकई रेवा अवलोप्तम भेड़िए के समान छुप जाना छुपना ठीक है छुपा हुआ या ऐसा तो यहाँ वृक मैंने भेड़िए से उपमा दी जा रही है तो उपमान वाची शब्द है कथा प्रत्यांत तो यहाँ पर उत्तर पद क्या है वृक और अवलुप्तम है क्या है अवलुप्तम ऐसे शसुप्तम में शस है वो उपलब्ध प्लुतम है ये प्लुतम ठीक है यहाँ पर छूट रहा है वास्तव में ये क्या है वास्तव में ये है शाह लुप्तम है ये क्या है ये इधर आ गया शशा लुप्तम ये पा इधर आएगा गलत गया है ठीक शशा लुप्तम खरगोश की तरह छुपा हुआ ठीक है सिंगा विनर्दितम शेर के समान नाद किया गया गर्जना की गई तो उपमा दी गई उपमान वाच्य होने से क्या यहां पर समास हुआ है इससे कर्त करणे कृता बहुलम ठीक है कर्त करणे कृता बहुलम से इसमें समास हो गया ये जो सूत्र है ये क्या है ये तृतीय कर्मणि तृतीय कर्मणि ये जो कत प्रत्यय है ये ये कर्म में है ठीक है और ये तृतीया है तो तृतीय कर्मणी से इसमें क्या प्राप्त हो रहा था पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था क्या वृक का पूर्व ये वृक है पूर्व पद तो उसका प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था तो उसका अपवाद ये कह दिया नहीं उपमान वाची से उत्तर कथा प्रत्यंत को तो अंतदत्त तो होगा ठीक है तो ये इसमें ये अंतदत्त कर दिया इसको बस और कुछ नहीं है ये कथा प्रत्यंत शब्द है ठीक है इनमें उपमान वाचियों में तो तृतीय कर्मणी का ही अपवाद है और सुपमान कथा भी सु से उत्तर करेंगे तो गति रनंतरा का अपवाद है। इतना आपको समझ लेना है ठीक है सिद्धियां और विशेष इसमें कुछ भी नहीं करना इतना ही स्वर लगी गया है ठीक है चलिएगा ये हो गया यहाँ नीचे दिया हुआ है यहां पर यह लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत लिख गया है सर्वत्र कर्त कृता बहुल से समास हुआ है सब सब में सर्वत्र नहीं सर्वत्र नहीं केवल इनमें इनमें हुआ है तीन उदाहरणों में इसमें तो इनमें तो हुआ है कुगति प्रादय से ये सर्वत्र को हटा दीजिए ठीक है लुप्त्री यहां पर गलत ले ये लुपली छेदने से अवलुप्तम बना हुआ है पुलुंग गु से प्लुतम बना हुआ है अच्छा इन्होंने ये दिखाया है इस दूसरी पुस्तक में यह वास्तव में प्लुतम बताया इन्होंने लुप्तम नहीं है ये प्लु, प्लु, से बनाया इन्होंने नर धातु से विनर्दतम बनाया है इस पुस्तक में जो मेरे पास पुस्तक है इसमें दिखा दिया है अलग तरीके से इसमें दिखाया लुप्तम तो कोई नहीं यही सही है इसको सही मान लेंगे कोई परेशानी नहीं है ये श श्लुतम खरगोश की तरह एकदम प्लुतम माने गति करना तेजी से भाग जाना एकदम ठीक है तो यहाँ प्लुंग से बनाएंगे तो प्लुतम बन जाएगा और पूरा लुप्त से लुप्त लुप्ली से लुप्तम बन जाएगा ठीक है सिद्धि ऐसे कर लीजिए कोई और वो नर धातु से बन जाएगा ठीक है चलिएगा तो ये संज्ञायानाचितादीना संज्ञायां सप्तमी व्यक्ति एक वचना अनाचितादीना षि व्यक्ति बहुवचना समास आचितादया न आचितादयो न अनाचितादय अनाचितादी नाम तो पहले बहुवरी समास हो गया फिर नहीं समास हो गया आचितादी एक गण है उसका निषेध कर रहे हैं अनुवृत्ति है अंत उत्तर पद से उदाता गति कारो पदात अनुवर्तते मंडूक क्लुत गति से उसकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें ठीक है अर्था, गति कार को पदात परम उत्तर पदम विषये आचिता वर्जयित्वा कहते गति अथवा कार का उपज से परे जो कथा कथा उत्तर पद है उसको अंतदत्त है संज्ञा के विषय में संज्ञा परंतु क्या है कथा प्रत्यंत उत्तर पद गण में पड़े हुए शब्द नहीं होने चाहिए उनको छोड़ करके जैसे उदाहरण दिया सम्भूतो रामायण उपहूत शाकल्य परिजग्ध ये तो हो गए आपके गति के ये सम उप और परि ये गति के हो गए ये संज्ञा माने संभूत रामायण तो ये रामायण किस संज्ञा है सम्भूत ठीक है ये उपहूत शाकल्य परिजग्ध कौंडन्य ठीक है तो ये हो गया आपका सब जगह कथा प्रत्यंत शब्द है ये सारे संभूता, कारक, कारकाद तो उपभूता पर उपपद का उदाहरण तो इन्होंने कोई इसमें लग नहीं रहा है देखते हैं अभी जैसे धनुर्भिर खात, खाता खाता धनुष खाता नदी माने धनु 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 के द्वारा खोदी गई नदी ठीक है कुदाल खातम माने जो कुदाली के द्वारा खोदी हुई नदी नगरम कुदार कुदाल खातम नगरम हस्ते मृदता भूमि हा। और हाथी के द्वारा माने मसली गई भूमि हाथी लोटपोट किया है ऐसी भूमि तो इनमें तो कारक के उदाहरण है ये तृतीया सब जगह तृतीया का ही है कारक का उदाहरण है इसमें उपद का तो उदाहरण है नहीं तो उपद का उदाहरण नहीं बन रहा होगा इसलिए उपद का बनाया नहीं इन्होंने ठीक है उपद का इसमें दिखाया नहीं है अब देखिए सब में अंत तो हो गया है ये कथा प्रत्यांत है ठीक है यहाँ पर ऊपर तो जो समास हुआ है इसमें संभूता रामायण इसमें तो कुगति प्रादाय से समास हो गया ठीक है और कारक इस में इसमें इन इनमें क्या है कर्तिकर्ण कृतावल से समास हो जाएगा तो ये कह रहे हैं कि जो संभूता आदि में कर्म में कथा प्रत्यय है ये ये कथा प्रत्यय कर्म में है उपभूता इसलिए क्या गति रणंतरा की प्राप्ति थी पूर्व पद का प्रगति स्वर तो उसका अपवाद ये उत्तर पद का अंत कर दिया ठीक है वही क्रम रहेगा समासस्य पदात कृत फिर गतिर फिर उसका भी अपवाद ये हो जाएगा संभूता संभूता आदि शब्द रामायण इत्यादि की संज्ञाएं हैं ठीक है संज्ञाएं तो ये धनुष आदि में कर्त करण कृता करणे से समास हुआ है ठीक है इसमें अब सिद्धि बता रहे हैं कि जन सन खन से खन को आप तो करके तृतीय कर्मणी अच्छा ये जो उदाहरण है ऊपर आपके ये तो खाता की सिद्धि बता रहे हैं खाता यहाँ पर भी खाता है मृदता ये कथा प्रत्यांत है ठीक है तो खन को खात बन जाता है वो आत्व हो जाता है जन सन खन संझलाम इत्यादि से तो वो तो बन जाता है सिद्धि हमें नहीं बनानी है तृतीय कर्मणी से यहाँ क्या हो रहा था तृतीयादि पूर्व पदे और कर्म में प्रत्यय तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था तृतीय कर्मणी से उसका अपवाद माने इन तीनों में उदाहरणों में पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त था तद अपवाद यह अंत विधान कर दिया तो ये इसका अपवाद हो गया यहाँ पर उप कारक में ये कारक के ही है उप, उपद के तो बन नहीं रहे उपद के मिलेंगे तो बन भी जाएंगे यहाँ पर उपद का कोई भी नहीं है उपद संज्ञा है ही नहीं किसी की किस इसमें चलिएगा ये हो गया प्रवृद्धादीना च प्रवृद्धादीना षष्टि व्यक्ति बहुचनातम च व्यपदम समास प्रवृद्ध आदि ये प्रवृद्धादय प्रबृद्धादीना बहुब्री साम बहुब्री ये भी प्रवृद्धादी गण है अनुवृत्तिया कता अंता उत्तरपद उदत्ता अर्थात दीनाम चा प्रवृद्धादीना चन्त अंतोदात्तम अंत कहते प्रवृद्धादीना शब्द ये हैं तो इनमें उत्तरपद जो शब्द है उसका अंतदत्त हो जाता है तो यानम प्रवृद्धो वृषला प्रयुक्ता सक्त प्रयुक्ता सक्तम तो ये प्रवृद्धादि गण में पड़े हुए हैं प्रवृद्ध है तो ये वृद्ध शब्द क्या कत प्रत्यांत है ऐसे ही ये युद्ध धातु से कत प्रत्यांत है तो ये ऐसे अंत पड़े हुए हैं इसमें इन इनमें भी क्या है गति रणंतरा से ये कह रहे हैं पूर्व सूत्र भी कथा प्रत्यांत का कर पूर्व सूत्र में संज्ञा विषय में कहा था यहाँ पर असंज्ञा में भी होगा ये असंज्ञा में भी हो जाएगा पूर्वत गति से पूर्व पद के प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी तद अप क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी तो आपने भाई उत्तर पद का किया है अंतुदात संज्ञा में किया है कत प्रत्यंत का ही किया है परंतु जो आगे वाला है प्रवृद्धाति गण में ए, ये तो बिना संज्ञा के ही हो जाएंगे संज्ञा में भी हो जाएगा संज्ञा में भी दोनों में हो जाएंगे ठीक है चलिएगा चलिएगा तो आगे का हमारा सूत्र है कार का दत्त श्रुत यो शिशि कारकात पंचम व्यक्ति एक वचना दत्त श्रुतो ष्ठी व्यक्ति वचना एवं अव्यपदम आशीषी सप्तमी व्यक्ति एक वचना ठीक है समास दत्ता इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व तो दत्त श्रुत दत्त श्रुत तो दत्त श्रुत सरल है अनुवृत्ति इसमें आ रही है संज्ञायाम कतहा अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ आशीषि गम्यमानायाम संज्ञायाम विषये कार आद उत्तर अयोर दत्तशुतयो रेव कतान्तयो अंतो कतान्तयोह अंतो दात्त्व भवति कहते हैं आशीर्वाद गम्यमान हो रहा हो और संज्ञा के विषय में संज्ञा विशेष का कोई नाम विशेष को किसी को कहा जाए तो कारक से उत्तर जो दत्त और शुद्ध शब्द होंगे कत प्रत्यांत हैं उनको क्या हो जाता अंत हो जाता कहते हैं, देवा एनम देया प्रार्थितई ही देव ही दत्ता देव दत्ता अर्थ देव लोग इसको हमें देवें और प्रार्थित देवई माने लोगों ने या माता पिता आदि ने देवों से प्रार्थना की <laughs> और देवों ने प्रार्थ प्रार्थित जो देव हैं उन देवों ने दिया तो देवों के द्वारा फिर वो दिया गया और उसका नाम रखा गया देवदत्ता किसी विशेष का संज्ञा है आशीर्वाद या लोगों ने आशीर्वाद दिया मानिएगा लोगों ने आशीर्वाद दिया कि भाई देव लोग इसको दें तो देवों ने उसको दिया और उसका नाम क्या रख दिया देवदत्त तो यहां पर आशीर्वाद भी गम्यमान हो रहा संयम विशेष का ही नाम है तो क्या हो जाएगा ये दत्त उत्तर पद में ये क्या है आपका कारक है देवई ही ठीक है देवई ही प्रार्थित ही देव दत्ता ये क्या हो गया कारक हो गया कारक तो है देवों के द्वारा कर्ता कारक बन रहा है तो ये तो देवदत्ता ऐसे विष्णु एनम श्रुयात विष्णु इसको सुने तो उसका नाम है विष्णुदत्त विष्णु ने सुना भगवान से प्रार्थना की गई है तो यहाँ पर आशीर्वाद भी गम्यमान हो रहा है आशीर्वचन माने लोग कह रहे हैं भाई विष्णु इसकी सुने इसको सुने हे प्रभु आप सुनो इसको आशीर्वाद माने इसके ऊपर कृपा करो और संज्ञान किसी विशेष का नाम भी है तो ये उत्तर पद का अंत वात्तो हो गया अब यहां पर मन में प्रश्न आता है कि क्या प्रश्न आता है प्रश्न ये आता है कि भाई ये जो सूत्र था संज्ञा या मनाचितादी नाम ये तो यही कर लेता संज्ञा में संज्ञा में तो यही कर लेता और आशीर्वाद यहां पर कुछ कहा नहीं है आशीर्वाद की मना भी नहीं किया और हां भी नहीं किया तो आशीर्वाद में भी हो जाता अन आशीर्वाद में भी हो जाता फिर इसको बनाया क्यों सूत्र को तो कह रहे हैं नियम करने के लिए बनाया अब नियम क्या हो गया नियम को समझ लीजिएगा जी नियम थोड़ा समझ में आपको आना चाहिए हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे देखिएगा ये हो गया संज्ञाया मनाचिता दिनाम से सभी कतांतों को अंतोदा प्राप्त था ठीक है <गए> उसी का यहां नियम कर दिया संज्ञाया से क्या कथातों को अंतत्त प्राप्त था उसका नियम कर दिया क्या नियम कर दिया अब समझ लीजिएगा इसको कि यदि कारक से उत्तर हो माने कारक से उत्तर यदि संज्ञा में हो तो दत्त एवं श्रुत को ही हो यहां पर बात अधूरी रह गई इनको यहां पर यह कहना चाहिए कि यदि कारक से उत्तर हो तो आशीर्वाद विषयक संज्ञा में मान आशीर्वाद भी लेना पड़ेगा इनको आशीर्वाद अर्थ में संज्ञा के विषय में क्या देव और शुद्ध को ही होगा आशीर्वाद अर्थ में ही तो इसमें ले रहे हैं इनका कहने का अर्थ है दत्त और शुद्ध को उत्तर पद में अंत उदात्त होगा तो केवल और केवल कारक से उत्तर होने पर संज्ञा के साथ में आशीर्वाद की प्रतीति में ही होगा यदि संज्ञा और आशीर्वाद कहीं अन्य दूसरी जगह हो रहा हो और कतांत प्रत्यय दत्त और शुद्ध से कोई भिन्न शब्द हो तो उसको नहीं होगा ठीक है तो आशीर्वाद मुख्य रूप से संज्ञा तो ऊपर थी मुख्य रूप से आशीर्वाद अर्थ में यदि कथान्त उत्तर पद होता है तो दत्तर शुत को ही होगा अन्य किसी को नहीं होगा यह नियम है वास्तव है। तो यहां पर क्या है? दत्त और श्रुत से अन्यत्र कोई दूसरा शब्द होगा और वहां पर संज्ञा के साथ में आशीर्वाद की भी प्रतीति हो रही होगी तो फिर उसमें संज्ञाया मनाचितादी नाम नहीं लगेगा क्या लगेगा तृतीय कर्मणी लगेगा क्योंकि तृतीय कर्मणी का अपवाद था वो संज्ञाया मनाचितादी नाम से पूर्व पद प्रकृति स्वरत्व तो ही होगा इस प्रकार कारक का आशीर्वाद अर्थ में नियम किया है यहां ऐसा लिख दिया इन्होंने कारक का नियम कर दिया कारक का अकेले का नियम कारक का आशीर्वाद में नियम किया है ये आप ध्यान रखेंगे यदि कारक से हम कर देंगे यदि कारक कारक अमीन कहीं इनकी बात मान ले ऐसा इस प्रकार कारक का नियम कर दिया तो कारक का नियम कर देंगे तो कारक में तो दूसरी जगह होगा ही नहीं प्रत्यांत से और जबकि इन्होंने कारक के तो यहाँ पर उदाहरण दिखा दिए ये वाले ये ये तो कारक के ही उदाहरण थे भाई ये कारका ये कारक के उदाहरण है खाता धनुष खाता ये तो कारक का ही उदाहरण है तो ये, उनको यहां पर ये कहना चाहिए कारक का आशीर्वाद विषयक संज्ञा में नियम कर दिया ये वास्तव तो में अर्थ है यदि कारक का नियम कर देंगे तो कारक से उत्तर दत्त और शत को ही होगा और यहां पर तो इन्होंने ये उदाहरण बना दिए बनेंगे ये सही उदाहरण है गलत नहीं है वहां लिखने में थोड़ा सा छूट रहा ठीक है तो यहां पर ऐसा कर लीजिएगा इस प्रकार कारक का आशीर्वाद में नियम कर दिया इसलिए अब कारक से उत्तर आशीर्वाद में संज्ञा विषय में केवल और केवल दत्त और शुत को ही उत्तर पद अंत तो होगा अन्यत्र अर्थात आशीर्वाद से भिन्न कोई कतांत उत्तर पद है कारक से उत्तर और आशीर्वाद भी हो रहा है तो फिर संज्ञाया मनाचितादी नाम नहीं लगेगा कौन सा लगेगा तृतीया कर्मणी से पूर्व पद का प्रकृति स्वर होगा ठीक है चलिएगा आगे इन्होंने सिद्धि दिखा दिया, कुछ विशेष नहीं है संज्ञा से इसमें आशीर्विषय में उदाहरणों में कत प्रत्यय हुआ दत्त में और श्रुत में ठीक है और फिर क्या दो घो से माने शूत शुरू में नहीं दो में दत्ता में दो घो से क्या हो जाएगा दा को हो जाता खरीच लग करके तो या किसी व्यक्ति विशेष की ये संज्ञा है ये समझ लीजिएगा ठीक है चलिए इतम भूते न च एकतम भूतेन तृतीय व्यक्ति उत्क्रांतम कृतम प्रथम व्यक्ति उत्क्रांतम इति अभ्यपदम च अभ्यपदम इमम् प्रकारम आपन्ना एकतम बूता हा ते न ये पहले भी आया था एकतम भूत लक्षणे में माने इमम् प्रकार माने इस प्रकार ताक माने इस तरह को प्राप्त हुआ वो है एकतम भूत <laughs> अनवृत्ति कारकात कथा अंतः उत्तरपदस्य उदात्तः इनके अनुवृत्तिあり अर्थ इत्तम भूतेन कृतं इत्ये तस्मिन् अर्थे यः समासः वर्ते तत्र कतां तं उत्तरपदं कारकत् परम् अंतोदात्तम भवति इत्तम भूतेन कृतं कृतं का अर्थ है यहाँ पर किया गया करना ठीक है इत्थम भूत का अर्थ बताई इस प्रकार से प्राप्त हुए और तृतीय है तो इस प्रकार से प्राप्त हुए के द्वारा किया गया ये अर्थ है तो इस अर्थ में मैं इत्थम भूत ने कृतम तस्मिन अर्थ है समासो वर्तते जो समास है माने जिस समस्त पद के द्वारा ये अर्थ निकल के आता है कोई अलग से सूत्र नहीं है समास का तत्र कतांतम उत्तर पद समास में कता प्रत्यांत उत्तर पद होगा उसको कारक से उत्तर क्या हो जाता अंत हो जाता जैसे उदाहरण दिया सुप्त प्रलपितम उन्मत्त प्रलपितम प्रमत्त गीतम विपन्न श्रुतम सुप्त प्रलपितम अब देखिएगा ये इसका अर्थ है पूरे के द्वारा सोए हुए व्यक्ति के द्वारा कुछ बोला मैं प्रलाप किया हूं प्रलाप किया गया ये प्रलाप किया गया यह अर्थ है अब देखिए यहां पर घटना है आपको अंतदात तो हो ही गया कोई परेशानी नहीं है ठीक है सुप्तेन प्रलपितम सुप्त प्रलपितम ये अर्थ है सुप्त माने सोना निद्रा को प्राप्त हुआ यह क्या हुआ इतम माने क्या प्राप्त निद्रा को प्राप्त हुआ सुप्त अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति इत्थम्बूत आ गए सुप्त सुप्तत्व सुप्त क्या है इत्थम्बूत इस प्रकार था? इस प्रकार को प्राप्त किस प्रकार को सोई हुई अवस्था को प्राप्त और उसके द्वारा प्रलपितम प्रलाप किया गया कुछ किया गया क्या किया गया प्रलाप तो कृतम आ गया तो समाज के द्वारा वो अर्थ आ गया सोए हुए के द्वारा किया गया और प्रलाप प्रलाप किया गया तो इसलिए इसको एक प्रत्यन द्वारा तो हो गया उन्मत्त प्रलपितम है उन्मत्त व्यक्ति के द्वारा प्रलाप किया गया प्रमत्त गीतम मत व्यक्ति के द्वारा गाया हुआ गाया गया विपन्न श्रुतम विपन्न माने दरिद्र के द्वारा माने दीनहीन के द्वारा सुना हुआ तो यहां दीन हीनता को प्राप्त होना यहां पर प्रमत्तता को प्राप्त होना यहां पर उन्मत्तता को प्राप्त होना या सुप्तत्व को प्राप्त होना यह इतम भूत है सरल है सब जगह पर क्या है यहां पर तृतीया कर्मणि जान देंगे कर्त्र कर्त्र से समास हो जाएगा इनमें सब जगह तृतीय कर्मणी से तृतीय कर्मणी से का वो पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था तो उसका क्या कर दिया अंत उदात्त कर दिया उत्तर पद का ठीक है अब यहां पर देख लीजिएगा सुप्तत्व तो प्रकार को प्राप्त हुआ यह इत्थम भूत है तथा तो उस सुप्त के द्वारा प्रलाप किया गया यह कृतम है इस प्रकार सुप्त प्रलपितम में इत्थम भूतेन कृतम अर्थ में समास है इत्थम अर्थ में अर्थ इस प्रकार से प्राप्त के द्वारा किया गया यह अर्थ निकल गया चलेगा तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे आ, ये आगे वाला सूत्र है थोड़ा ये अधिक समय लेगा थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे ठीक है कुछ सूत्र हैं जो थोड़े से आपको भी जटिल अनुभव होते हैं क्योंकि हैं परंतु इनको जितना समझ में आ जाए उतना समझ लीजिएगा ये सोच करके आपको अपने अंदर निराशा नहीं लानी कि भाई पूरा समझ में नहीं आ रहा अरे पूरा धीरे धीरे आ जाएगा आप कहेंगे धीरे धीरे कब तो धीरे धीरे ऐसे आएगा कि जब आप काशिका पढ़ेंगे तब आपका जो बुद्धि का स्तर होगा व्याकरण विषय का वो काफी बढ़ा हुआ होगा ठीक है तब बहुत बढ़ा हुआ होगा तब आपको ये बातें आसानी से और समझ में आ जाएंगी तो बस यही आपको धैर्य रखना है ऐसा नहीं सोचना कि भाई हमें इतना ही पढ़ना है फिर इतना ही पढ़ना है फिर इतनी, इतनी बात समझ में आएगी ठीक है चलिए सर्वेभ्यो नमः